तो हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं अभी ईयर ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में भारतीय जनसंघ के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से शुरू करते हैं। तो जो भारतीय जनसंघ पार्टी है उसको 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फाउंड किया गया था और इसे फाउंडर प्रेसिडेंट माना जाता है। अब जब भारतीय जनसंघ पार्टी को ट्रेस बैक किया जाता है तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन से ये आगे बढ़ के निकला हुआ है। जो तो पहला ऑर्गेनाइजेशन RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और दूसरा हिंदू महासभा। तो इन दोनों का एड्रेस, इन दोनों से आगे बढ़ के भारतीय जनसंघ बना हुआ है और ये आज़ादी के पहले से ही। तो भारतीय जनसंघ जो पार्टी है वो आइडियोलॉजी के टर्म में बाकी सारी पार्टियों से अलग है। ये क्या करती है भारतीय जनसंघ का आइडियोलॉजी क्या है, इन्फेसिस करती है आइडिया ऑफ वन कंट्री वन कल्चर एंड वन नेशन में। और ये भी बिलीव करती है कि कंट्री को अगर मॉडर्न और प्रोग्रेसिव बनाना है तो उससे जो इंडिया के जो कल्चर है और ट्रेडिशन उनके ऊपर ध्यान दिया जाए और उनको बढ़ा के इंडिया को हम और मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकली उसको प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। और ये जो पार्टी है वो एक चीज़ और कहती है कि भारत और पाकिस्तान को फिर से एक कर दिया जाए और एक अखंड भारत का सपना देखती है। तो और ये जो पार्टी है ये इस बात में आगे भी थी कि इंग्लिश को जगह हिंदी को हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाए और इंग्लिश को हटा दिया जाए और जितने भी ऑफिशियल काम से वो हिंदी लैंग्वेज में किए जाए। साथ ही साथ ये पार्टी इसके भी खिलाफ है कि जितने भी देश में रिलीजियस माइनॉरिटीज ग्रुप हैं और रिलीजियस बेसिस पे और कल्चरल बेसिस पे लोगों को कंसेशन देना बंद कर दिया जाए। उसके बाद बात करते हैं इलेक्शन की। तो 1952 के लोकसभा इलेक्शन में मात्र 3 सीटें जीत पाई थी और 1957 के इलेक्शन में 4 सीटें जीत पाई थी लोकसभा में। और इसके बाद ये जो पार्टी है वो अपने शुरुआतों दिन में जितने भी हमारे देश में जो भी अर्बन एरियाज थे जहाँ हिंदी स्पीकिंग पीपल्स थे जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इन सभी इलाकों में ये पार्टी फेमस थी। और इसके पार्टी के जो मेन लीडर थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक जी थे। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो इसी का आगे बढ़ के मॉडर्न होके आज के भारतीय जनसंघ से ही निकल के आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी बनी।